गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स। बच्चों आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं और पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। बच्चों आज हम लोग व्याकरण आनंद भाग एक पाठ तीन संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द पढ़ेंगे। आप लोग सभी बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर 20 निकालिए। संज्ञा, बच्चों आप जानते हैं संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम वाले शब्द, जैसे राम, मोहन, चिंटू, मिंटू, ये सब नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति में किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे राम, मोहन, जय, ये सब व्यक्तियों के नाम है, तो ये सब संज्ञा है। वस्तु में हो गया पेंसिल, टेबल, कुर्सी, ये सभी वस्तुएं हैं, तो ये भी संज्ञा हो गई। स्थान, स्थान में हम लिख सकते हैं पटना, दिल्ली, और क्या लिख सकते हैं बच्चों? मद्रास, कोई भी स्थान का नाम, ये सभी भी संज्ञा है। भाव, भाव मतलब हमारे मन के भाव, जैसे दया, दया, गुस्सा, और क्या हो सकता है बच्चों? दुख, ये हमारे मन के भाव है, तो ये भी संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों संज्ञा को वाक्यों के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ, जया की माँ ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार जाने की सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ी। इसमें बच्चों जया और उसकी माँ व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। फल, फल है वस्तु का नाम, तो ये भी संज्ञा हो गया। बाजार, बाजार है स्थान का नाम, ये भी एक संज्ञा है। और खुशी, खुशी भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये भी संज्ञा है। आपने ये संज्ञा को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए बच्चों अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। बच्चों आप लोग पेज नंबर 24 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र पहचानो तथा उसका नाम लिखो, उदाहरण देखो। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, जिसे आपको देखकर पहचानना है कि वो किस चीज का चित्र है और उसके सामने लिखना है। जैसे देखिए पहला चित्र किसका बना हुआ है? हाँ, सूरज का, तो आप इधर लिखेंगे सूरज। पेज नंबर 24, 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, घड़े में लिखे नामों को सही जगह के सामने लिखो, उदाहरण देखो। बच्चों यहाँ पर एक घड़ा बना हुआ है और इसमें कुछ शब्द है,
उन शब्दों को आपको सही जगह पर भरना है, जैसे व्यक्ति की जगह व्यक्ति के नाम, स्थान की जगह स्थान के नाम, फल की जगह फलों के नाम, सब्जी की जगह सब्जियों के नाम, भाव की जगह भाव के नाम, वस्तु की जगह वस्तुओं के नाम, पशु की जगह पशुओं के नाम और पक्षी की जगह पक्षियों के नाम। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द पर घेरा लगाओ तथा संज्ञा शब्द को दिए गए स्थान पर लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, जिसमें से आपको संज्ञा शब्द को देखकर उसको घेरा करना है और उसे इस जगह पे लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है, यह मेरी पुस्तक है, इसमें पुस्तक संज्ञा शब्द है जिसपे घेरा लगा हुआ है और इधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सही संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो, उदाहरण देखो। बच्चों यहाँ ब्रैकेट में कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं और यहाँ खाली जगह है, आपको इन वाक्यों को सही संज्ञा शब्द भरकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला है, मैं डैश देखता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, हाँ टीवी देखता हूँ। इसी तरीके से बच्चों आप ये पूरे भरेंगे। बच्चों पेज नंबर 24 से लेके 26 तक आपके स्कूल के वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, जिसे आपको देखना है और उसे अपनी व्याकरण आनंद पुस्तक में ही लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।